जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। यदि आप यूपी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट 2021 की एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या है न्यूज, इसके बारे में बात करें उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सूचना आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं कि यूपी टेट 2021 की एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है यूपी टेट 2020 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख को लेकर ज़रूरी अपडेट, अब दिसंबर से पहले होगा इम्तिहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2020 यानी जो यूपी टेट का एग्ज़ाम 2020 में होना था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि उस दौरान कोरोना की लहर थी, पूरे विश्व में थी, तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, इसलिए यूपी टेट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। तो जो यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम है वो 2021 में होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इससे पहले आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रही है कि अब एग्ज़ाम दिसंबर से पहले हो सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी टेट 2020 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यह अहम इम्तहान अब अक्टूबर या फिर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी। अभी तक जो न्यूज़ था हमारे पास वो ये था कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर से पहले यानी अक्टूबर या नवंबर में भी हो सकता है। आगे देखते हैं, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए यह खबर अहम है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यह अहम इम्तहान अब अक्टूबर या फिर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति न देकर तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश दिया है, ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। यदि आप जानते हैं कि यदि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव है तो कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो विभागीय मंत्री हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पहले हो जाए ताकि भर्ती निकल आए, और भर्ती निकल आएगी तो एग्ज़ाम भी हो सकता है और जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसलिए परीक्षाएं आदि 15 दिसंबर के पहले कराई जा रही हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं वो 15 दिसंबर के पहले पूरी हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, वह चाहे प्रदेश सरकार की यूपी टेट हो या फिर केंद्र सरकार की CTET हो। इसमें BEd, DELED व BTC आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये तो जानते हैं कि अगर आप यूपी टेट या CTET की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको BEd या DELED या BTC करना अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मार्च को शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके 18 मई से ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून तक के लिए जाने थे। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी, उस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रभावी होने के कारण यूपी सरकार ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। जैसा हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि कोरोना की वजह से आपका एग्ज़ाम 2020 में नहीं हो पाया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश ने जुलाई में संशोधित समय सारणी भेजी थी, इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित की थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने पूछा कि पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी, इस बार इतना विलम्ब क्यों, परीक्षा और पहले कराई जाए, परीक्षा संस्था ने कार्यक्रम रिवाइज किया है, अब अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में इम्तिहान कराने की तैयारी है, जल्द ही समय सारणी सार्वजनिक होगी। तो जैसा कि यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, कुल मिला के दिसंबर से पहले परीक्षा होने की उम्मीद है, जल्द ही इसकी सारणी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। इसका जो पूरा डिटेल है कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में जल्द ही सूचना दी जाएगी। तो
तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। कुल मिला के दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होता है तो जाहिर सी बात है एक या डेढ़ महीना पहले या दो महीना पहले, दो महीना पहले क्या सितंबर के लास्ट तक आपका आवेदन होना शुरू हो जाएगा, मतलब फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी टेट 2021 के एग्ज़ाम डेट को लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सूचना आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।